हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसा आप सब, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है, मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मॉर्निंग से और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। मैं नीचे आया था कबीर को चीज़ दिलाने के लिए। तो आज संडे भी है और ईद मिलादुन नबी का दिन भी है आज। तो गाइस, आप सभी को ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। तो बहुत आज स्पेशल दिन है, बहुत कुछ होने वाला है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो जुलूस दोपहर में रहेगा, वो किस टाइम रहेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल अभी मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। हम तो रेडी होकर बैठे हैं, मैं तो 2 बजे रेडी हो चुका था और जुलूस निकलने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। देखते हैं, 4 बजे का टाइम है तो जैसे भी होगा वो आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। तो अभी से ही बारिश और की आवाज़ आ रही है रोड पर, बाइकों पर इस्लामिक झंडे लगाकर घूम रहे हैं, ऑटो में, सब जगह। तो बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मतलब अभी मैं काम से बाहर गया था, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। रोड पर सुबह से ही मतलब भीड़ है, रौनक है रोड पर। और अभी जुलूस की पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, बस इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे में जुलूस निकल जाएगा और आप देखेंगे, हम भी जाएंगे और आपको पूरा इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट ये व्लॉग दिखाऊंगा जुलूस का। तो मिलते हैं आपसे बाद। गाइस, हम जा रहे हैं नीचे, तो जुलूस बिल्कुल रेडी है, हमारा खाना भी हो गया है खाकर। तो फिलहाल हम जा रहे हैं नीचे। देखिए गाइस, जुलूस बिल्कुल रेडी है और बस यहाँ से निकलने ही वाला है थोड़ी बहुत देर में। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ कैसे इस्लामिक झंडे लहरा रहे हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा फील हो रहा है, अलग ही फीलिंग आ रही है, बहुत ज़बरदस्त फील हो रहा है। देखिए गाइस, इधर भी देखिए, पब्लिक आने पे ही है और यहीं से ही जुलूस निकलेगा, तो यहाँ से जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे भी बाहर खड़े हैं देखने के लिए जुलूस, तो देख सकते हैं गाइस। देखिए गाइस, इस तरह से स्टेज लगाए जाते हैं और खाने पीने की चीज़ें बढ़ती हैं बच्चों की, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, खाने पीने के जूस जो भी होते हैं सब इस तरह से बांटे जाते हैं, स्टेज लगाए जाते हैं। और देखिए गाइस, कैसे झंडे लेकर जा रहे हैं पैदल ये जुलूस 2022। इस तरह से जैसे जैसे पब्लिक आएगी और जगह जगह स्टेज होंगे, उस तरह से ही मतलब सब यहाँ पर रुक कर और खा पी कर जाएंगे। जो भी बच्चों की चीज़ होंगी, बड़ों की चीज़ें होंगी, फ्रूटी वगैरह जैसे भी लिक्विड की जो भी चीज़ होंगी, सब इस तरह से ही खिलाई पिलाई जाएंगी, जगह जगह स्टेज जो लगाए जाएंगे वहाँ पर।
देखिए गाइस, अभी तो जुलूस निकला नहीं है, सब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, सब अपने अपने ग्रुप लेकर आ रहे हैं जगह जगह से। तो अभी देखिए, अभी तो तैयारी कंप्लीट हुई है और सब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, जुलूस निकलना बाकी है अभी, बस इंशाल्लाह बस रेडी ही समझो जुलूस निकलना, और थोड़ी देर में निकल जाएगा। देखिए गाइस कितना बड़ा काफिला है ये, कितनी पब्लिक है, एक काफिले की तरह आ रहा है जुलूस। ये देखिए गाइस, मुंबई में ऐसे ही जोरों शोरों से ईद मिलादुल नबी मनाया जाता है, हमारे पैगंबर हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आज उनकी पैदाइश का दिन है और वफात का दिन, तो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। और पब्लिक देख सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा पब्लिक, लिमिट से भी ज़्यादा पब्लिक, और मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा जुलूस देख रहा हूँ मुंबई के अंदर। ये देखिए गाइस, सामने आप देख सकते हैं ये बग्गी में मालोनी के एमएलए, ये यहाँ के एमएलए हैं असलम शेख, तो सामने आप देख सकते हैं गाइस। ये देखिए गाइस कितने जोरों शोरों से मनाया जा रहा है ईद मिलादुन नबी। गाइस कोई अपने घोड़ों पर अपनी बग्गी लगाकर, कोई अपने छोटे टेम्पो में, कोई गाड़ियों में, कोई बड़ी बड़ी बग्गी सजाकर निकले हैं। ये देख सकते हैं गाइस कितने जोरों शोरों से और कितने उत्साह के साथ मनाया जा रहा है ईद मिलादुन नबी। देखिए गाइस जहाँ जहाँ स्टेज है वहाँ वहाँ खाने पीने की चीज़ें बट रही हैं, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक। तो देखिए गाइस यहाँ पर भी एक स्टेज लगा हुआ है, मैंने आपको हर एक स्टेज दिखाया था, देखिए किस तरह से बांट रहे हैं। अभी जुलूस निकल चुका है और पब्लिक देख सकते हैं गाइस कितनी पब्लिक है, तो पूरा कंप्लीट है और पब्लिक बड़े उत्साह के साथ आ रही है, रोड पर निकल चुकी है और बस यहाँ से निकलेंगे माढ़ा से, अभी माढ़ा के अंदर ही है तो माढ़ा से निकलेंगे और बहुत दूर तक जाना है और पैदल ही जाएंगे सब।
देखिए गाइस, जहाँ से हमने व्लॉग स्टार्ट किया था वहाँ पर अभी भी देख सकते हैं पब्लिक आ रही है, तो पूरा घूम के चक्कर लगाते हैं ना, तो इसलिए पब्लिक अभी और जा रही है। अभी यहाँ पर इस टाइम भी अभी इतनी पब्लिक है, और कब्रिस्तान चारकोक किस टाइम पहुँचेगा जल्लूस, अभी 6:30 हो रहे और अभी देखिए पब्लिक कितनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा जल्लूस किस टाइम पहुँचेगा कब्रिस्तान, तो अभी समझ से बाहर है गाइस। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी जल्लूस। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर, अपनी बिल्डिंग के नीचे हैं पार्किंग साइड, तो बहुत ज़्यादा थक गए और वो इसलिए भी थक गए, आपने देखा कितनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, तो मतलब एक घंटा लग गया हमें कोई 20 या 25 कदम रखने के अंदर, तो एक घंटा लग गया, इतनी भीड़ थी। मैं आपको बता नहीं सकता, अंदर गलियों में को निकल के मैं जामा मस्जिद पहुंचा सिर्फ आपके लिए, और व्लॉग शूट करना था, आपको दिखाना था जामा मस्जिद कैसी लग रही है जल्लूस के टाइम। तो ये ईद मिलादुन नबी का 2022 का जल्लूस है, और देखिए गाइस कितने उत्साह के साथ मना रहे हैं और सुकून के साथ मना रहे हैं ईद मिलादुन नबी।
गाइज अभी आपने जो जुलूस देखा है, जितनी भीड़ आपने देखी है, अभी भी हमारे यहाँ से जहाँ से हमने व्लॉग स्टार्ट किया था वहाँ से अभी भी लोग जा रहे हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक नंबर से भी आगे चार खो के वहाँ पर कब्रिस्तान है, तो वहाँ पर पब्लिक जाएगी, पूरा जुलूस लेकर जाएंगे कब्रिस्तान है, वहाँ पर फातिया वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद में वहाँ से वापसी होगी। और वापसी वो कब होगी ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि रोड पर चक्का जाम है, पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है, आपने देखा कितनी भीड़ है। और मैं अंदर से गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, अंदर गलियों से निकल के गया तो जामा मस्जिद सीधा पहुंचा, वहां का मैंने आपको दिखाया नज़ारा, कितनी भीड़ है वहां पर भी। और आगे अगर मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगा ये रोड पे चल के, तो मैं गाइस बस बता नहीं सकता कब मैं पहुँचूँगा जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद पहुँचने में हमें 2.5 घंटा लग गया, इतना मतलब रश था, इतनी पब्लिक थी। तो हाँ गाइस, ये हमारे पैगंबर हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ईद मिलादुन्नबी का ये त्यौहार मनाया जाता है खुशियों के साथ। तो आपने पूरा देखा मुंबई में किस तरह से ज़ोरों शोरों से ये सेलिब्रेट किया जाता है त्यौहार, तो आपने सब कुछ देखा। तो फिलहाल हम इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।